नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी ऐप चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन जो होती है ना, इससे लॉग आउट कैसे करें। काफ़ी सारे वीडियोज आपने देखे होंगे यूट्यूब पर ऑलरेडी कि लॉग आउट करके बता रहे हैं, कोई ऐप डेटा क्लियर करके बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मैं आज आपको दोनों तरीके बताऊंगा इस एप्लीकेशन से कैसे लॉग आउट करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सभी को पता है यार, जब आप फेसबुक मैसेंजर खोलते हैं तो यहाँ पर सारे मैसेजेस आपके सामने की तरफ ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर सभी लिस्ट लगी होती है, यहाँ पर चैट्स दिखा होता है, यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन, यहाँ पर पेन का ऑप्शन बना हुआ है, और यहाँ पर आपकी जो है प्रोफाइल पिक दिखाई देती है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर ऐप डेटा क्लियर करेंगे तो इस पर्टिकुलर डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा, लेकिन अदर जगहों पर जहाँ पर आपने लॉग इन रखा है वो लॉग इन वहाँ पर रहने ही वाला है, वहाँ से लॉग आउट नहीं होगा और आप जो है फिर कर भी नहीं पाएंगे। मतलब वो चीज़ लॉगिन ही रह जाएगी। आप हो सकता है किसी और के दोस्त के फ़ोन में आपने लॉगिन कर रखा है तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपको करना क्या है कि हर एक जगह से लॉग आउट करना है। तो आप सबसे पहले इस वाले बटन पर जाएंगे, है ना, मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, उसके बाद हम इस एप्लीकेशन से भी लॉग आउट करेंगे। तो यहाँ पर चले जाते हैं, हमें लॉग आउट करना है तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करके लेकर जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है स्विच अकाउंट, अकाउंट सेटिंग। स्विच अकाउंट का ऑप्शन इन्होंने दे दिया। अब उनको पता है कि भाई फेसबुक पर लोगों के एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है। खैर जाने दो, हम जाएंगे अकाउंट सेटिंग में क्योंकि हमें लॉग आउट करना है। तो अकाउंट सेटिंग में जैसे ही टैप करते हैं, अंदर की तरफ आते हैं, आपको दिखाई देता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और नीचे है सिक्योरिटी एंड लॉग इन। तो ये सिक्योरिटी लॉग इन पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करते ही आपके सामने एक और पेज खुलकर आता है जहां पर आपको दिखाई देता है एक्टिव सेशन। आप देख सकते हो एक्टिव सेशन दिखाई दे रहे हैं, वेयर यू आर लॉग्ड इन, कहाँ पर आप लॉग इन हो अभी, वो दिखाई दे रहा है। अभी ये देखिए एक्टिव नाउ। एक्टिव होना और लॉगिन होना तो अलग अलग चीज़ें, आपको ही पता होनी चाहिए। लॉगिन आप बहुत जगहों पर रह सकते हैं लेकिन अभी आप एक्टिव नहीं है वो हो सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग लॉगिन होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं हर समय। जब ऑनलाइन है तब एक्टिव दिखाई देते हैं, बाकी समय लॉगिन तो है ना। तो ये चीज़ है, अभी मैं इस वाले डिवाइस पर एक्टिव हूँ और लॉगिन भी हूँ, साथ में इस वाले डिवाइस पर भी लॉगिन हुआ पड़ा है, एक्टिव नहीं हूँ। तो जब वो जिस भी इंसान के फ़ोन में मैंने लॉगिन किया था, कभी भी चाहे तो लॉगिन वापस कर सकता है। वहां से लॉग आउट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि उसके पास पासवर्ड आईडी डला हुआ है। आपको क्या करना है, ये जो सी मोर का बटन है ना, इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे ना, तो अंदर आते ही आपको सारे डिवाइसेस की लिस्ट मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर सारे डिवाइसेस की लिस्ट मिल जाती है जहां पर आपने लॉगिन किया है। ज्यादातर तो मेरा ही फोन है। देखिए पोको X2 आपको नजर आ रहा होगा, है ना, और एक विंडोज का पीसी भी है, वो भी मेरा ही है, लेकिन मुझे लॉग आउट करके दिखाना है तो मैं जरूर दिखाऊंगा। और कुछ एंड्रॉयड डिवाइसेज हैं, वो पता नहीं किसकी हैं, हो सकता है मैंने किसी दोस्त के फोन में खोला होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये देखिए कि ये एंड्रॉयड कुछ पुराने जमाने का एंड्रॉयड नजर आ रहा है, उसमें भी है, और 2021 के बहुत सारे लॉग इन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये वाला जो बटन है ना, इस पर टैप कर देना है। जैसे ही मैं इस पर टैप करूंगा, ये सारे सेशन से मुझे लॉग आउट कर देगा। अभी देखिए जैसे ही मैंने लॉग आउट का बटन दबाया, ये मुझे क्या बोल रहा है, दिस विल लॉग यू आउट ऑफ फेसबुक फ्रॉम एवरी डिवाइस दैट यू आर करेंटली लॉग्ड इन ऑन। इफ यू डिडंट लॉग इन ऑन एनी ऑफ दिस डिवाइसेस, वी कैन हेल्प यू सिक्योर योर अकाउंट। भाई मुझे लॉग आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग आउट का बटन मैं सिंपली प्रेस करूंगा। जैसे ही प्रेस करता हूँ, आप ये देखो अभी सारे डिवाइसेस से लॉग आउट हो गया है, सिर्फ एक ही डिवाइस बचा हुआ। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, सिर्फ एक ही डिवाइस बचा। सिक्योरिटी लॉगिन में वापस जाऊंगा, तो जिस पर मैं अभी हूँ, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, वहां पर मैं लॉगिन हूँ, एक्टिव हूँ, ये देखिए, और बाकी सारे डिवाइसेस से लॉग आउट हो चुका हूँ। यहाँ पर कोई लिस्ट नजर नहीं आ रही है। अगर मैं इस पर यहाँ पर टैप भी करूँ, फेसबुक पर विंडोज फोन आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इस डिवाइस से भी लॉग आउट मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं वो जो है ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा अपना। ब्रह्मास्त्र कौन सा वाला है, सेटिंग्स में जाऊंगा, यहाँ पर ऐप्स के लिए सर्च करूंगा, है ना, ऐप्स के लिए सर्च करूंगा। जैसे ही ऐप्स निकल कर आती हैं तो ऐप्स सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर अपने मैनेज ऐप्स में जाकर के और मैसेंजर में जाकर के डेटा क्लियर करूंगा। बेसिकली कुछ ज़्यादा लफड़े नहीं करने, तो मैसेंजर में जाकर के यहाँ पर ये मैंने फेसबुक मैसेंजर, ओके मैसेंजर ही टाइप कर देते हैं, सॉरी मैं टाइप करने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ तो मैं स्वाइप करने में ज़्यादा करता हूँ। मैसेंजर पे जाते हैं। अब देखिए स्टोरेज इनका काफ़ी भरा पड़ा है, तो हमें क्या करना है, क्लियर डेटा का बटन दबा देना है। क्लियर डेटा का बटन दबाएंगे, कैश क्लियर करने से नहीं होगा, ऑल डेटा क्लियर करें, ऑल डेटा क्लियर कर देंगे, गया यहाँ से भी, ओके। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ 246 248 MB दिखा रहा था, अभी 179 MB हो गया। वापस मैसेंजर ओपन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये बोलेगा लॉग इन कर लो भैया पहले, देख रहे हो। तो अभी नॉट नाउ कर देते हैं, देखो ये बोल रहा है अभी कंटिन्यू करना है क्या, जैसे आपका नाम है, मैं बोलूंगा नहीं करना है, बैक आ जाऊंगा। तो ये लॉग आउट यहाँ से भी कर दिया।
आई होप मैंने सारे तरीके आपको बता दिए बाकी डिवाइसेस से और अपने डिवाइसेस से लॉग आउट करने के। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।